प्रभात विद्यार्थी, आज हम झांसी की रानी पार्ट 7 झांसी की रानी के बारे में आगे की कविता के बारे में पठन करेंगे। हमें अभी तक रानी के झांसी की रानी की 3 कविता पूरे कर चुके हैं, हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ने आइए हम स्टार्ट करते हैं झांसी की रानी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी, लक्ष्मी बाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट मुंडेले की वृद्धावली की भी सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव मतलब वह बहुत वीर थी, बहादुर थी, तो उसकी सगाई हुई थी वैभव के साथ सगाई झांसी में। ठीक है, उसकी सगाई जो है गंगाधर राम के एक योद्धा के साथ होती है। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी बाई झांसी में, रानी लक्ष्मी बाई की शादी हो जाती है और वह झांसी में आ जाती है, गंगाधर के साथ उनकी ब्याह होती है। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, राजमहल में बहुत सारे सहनाई बजते हैं, बाजा बजते हैं और पूरी तरफ ही क्या हो जाती है, खुशियां ही खुशियां आ जाती है। सुभट बुंदेलो की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, वह सुभट बुंदेलो मतलब बुंदेल के राजा जो रहते गंगाधर, और बड़ी शानो शौकत के साथ उनको ब्याह करके हाँ शादी करके यहाँ लाते झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी, शिव भगवान जी को शिव से मिली थी भगवान जी, भवानी जी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, बुंदेलखंड के जो लोग हैं और झांसी के बारे में उनके मुंह से जुबानी कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, तो जो रानी लक्ष्मीबाई है वह मर्दों की तरह लड़ने वाली होती है और वो बहादुर, बहुत बहादुर होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दयाई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ वह सौभाग्य मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी का जो है उसका सौभाग्य उदित होता है, वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। मुदित महलो उजियाली छाई, जो महल में है उजाला छा जाता है, उनके आते ही महलों में उजाला छा जाता है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा में घेर आई, लेकिन उनको पता नहीं, वो इतनी खुश होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि काल की जो गति होती है चुपके चुपके उनके ऊपर घेरा डालती रहती है। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, उनको ये पता नहीं था, इतना खुश थी शादी होने के बाद कि उनको ये भी नहीं पता चला कि वो कब चूड़ी, जैसे तीर चलाती थी, भाला चढ़ाती थी, तलवार चलाती थी, उनको ये भी नहीं पता चला कि वो कब चूड़ी पहनी और उनको चूड़िया अच्छे लगने लग गई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया है, रानी जो है रानी लक्ष्मी जी की शादी हुए कुछ दिन हुए रहती है, उनके बाद उनके उनके पति जो है गंगाधर उनका मृत्यु हो जाता है, विधि को भी उन पर दया नहीं आती, विधि जो विधान है भगवान को उनके ऊपर भी दया नहीं आती है। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, निज राजा जो है वो निसंतान मर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद शोक के समान हो जाती है। निसंतान मरे राजा जी, राजा जो है उनको संतान की भी प्राप्ति नहीं होती है और रानी शोक समानी, रानी में शोक के समान हो गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलखंड के लोग जो हैं उनकी कहानी मुंह जवानी उनको याद रहती। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, जो बुंदेलखंड के लोग हैं हर हर महादेव का यश करते हैं उनके मुंह से जुबानी सबने सुनी थी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की तरह लड़ने वाली है, उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई था, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डल हौजी मन में
हर्षाया, हर्षाया ने होता है प्रसन्न हो गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दूर पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अष्टपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी यानी वीराना हो गया। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब गुलड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे कविता सुमित्रा नंद जी बताया है कि बुझा दीप झांसी का, जैसे ही राजा जी की मृत्यु होती है तो वहाँ झांसी का जो दीप है बुझ जाता है। तो डलहौजी मन में हर्षाया, डलहौजी जो है ब्रिटिश लोग होते हैं वो इतने खुश हो जाते हैं, अंग्रेज लोग इतने खुश हो जाते हैं कि झांसी का जो दीप है वहाँ का राजा मर चुका है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर अच्छा अवसर पाया, जैसे ही वहाँ का राजा मर जाता है या खत्म हो जाता है तो उनको एक अवसर मिल जाता है कि अरे वाह राजा ने मर गए, अब तो हमें उस राज्य को हड़पने का अवसर मिल गया है। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, राजा जो रहते हैं वो ब्रिटिश सरकार लोग अंग्रेज लोग जो रहते हैं फौरन अपने फौजे भेजते हैं और दुर्ग, दुर्ग यानी किला पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी पर आया, जो लावारिस जो झांसी की रानी था, झांसी की झांसी जो रहता है लावारिस हो जा रहता है राजा जी की मृत्यु के बाद, तो जो ब्रिटिश सरकार है वह वहां जाके अपना वारिस बन जाता है, झांसी पर अपना अधिकार जमा लेता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, अश्रुपूर्ण आंसुओं के इतने आंसू, राजा जी की मृत्यु के बाद रानी उदास हो जाती है, उनके संतान भी चले जाते हैं और राजा भी चले जाते हैं, तो वो अश्रुपूर्ण देखकर आंसू से भरे आंखों में झांसी को देखते ही देखती है कि उनका जो झांसी है वो वीरान सा हो गया है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर हर महादेव का जो जाप करते रहते हैं उनके मुंह ने उन्हें सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो मर्दों की तरह लड़ने वाली एक इतनी बहादुर नारी थी, तो वह झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी के पैर पसारे अब तो पलट कहीं काया, राजाओं नवाबों को भी उनसे पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय, अनुनय मतलब होता है विनय नहीं सुनना, अनुनय मतलब वो इतनी विनय विनती कर रही थी फिर भी फिरंगी लोग उनकी माया, विकट फिरंगी की माया, वो जो सब थे उन लोग इतना वो करते थे। पहले क्या होता था अंग्रेजों को, भारत जब आए थे तो पहले हम लोग भारत को उन लोग विनती किए, भारत से विनती की कि हमें यहाँ पे रहने दीजिए, लेकिन हमारा जो भारत था वो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए वो सुन लेता था, फरियाद को सुन लेता था, तो वो क्या है हमारी जो भारत देश है वो विनय को सुन लेता था, वो हाथ जोड़े अंग्रेजों ने ब्रिटिशर का जब पहली बार हमारे यहाँ आए थे तो उन लोग विनती की कि हमें यहाँ व्यापार करने दो, हमको यहाँ व्यापार करना है करके। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया, जब वह भारत आया तो वह व्यापारी बन के आया था और वह भारत को अनुग्रह करने लगा कि हमें यहाँ व्यापार करने दो। डलहौजी ने पैर पसारे, धीरे धीरे जो अंग्रेज सरकार ने हमारे भारत पर पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, अब ऐसा पलटा हमारा देश, काया पलट गई कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया। राजाओं नवाबों को भी उनपे पैरों पर ठुकराया, जो राजा थे नवाबों थे वो भी उनके सामने अपना पैर ठुकरा दिए, मतलब उनके गुलाम हो गए। रानी दसी रानी बन दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, जो वहाँ की जो हमारी झांसी की जो रानी थी वो महारानी थी, वो क्या हो गई दासी बन गई, और जो वहाँ की जो विक्टोरिया थी वो क्या बन गई हमारी महारानी बन गई। बुंदेलो हर बनो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। जो बुंदेल हर बोलो के मुंह से हमने
जो हर हर महादेव का जाप करते हैं उनके मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दाई हुआ तो झांसी वाले थे वो, जो हमारी जो रानी झांसी की रानी है वो बंटे की तरह लड़ने वाली एक वीर योद्धा थी। ठीक है, टुडेज वर्क कंप्लीट बेटा, इसके आगे कहां नेक्स्ट डे पे बताएंगे। थैंक यू।